शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह संबोधित करेंगे, आपको संबोधित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान के माननीय प्रभारी सांसद अरुण सिंह जी, मेरा विनम्र निवेदन है माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, वरिष्ठ नेता, राजस्थान के प्रभारी में आयोजित आए हुए सभी पत्रकार मित्रों, साढ़े चार साल से कुछ समय पहले राजस्थान में किसानों को, युवाओं को आश्वासन का पिटारा देकर के एक सरकार बनी। सरकार बनने के साथ ही चुनाव के परिणाम आने के ठीक बाद जिस तरह का आपसी सिरफुटवल नजर आया, लगातार साढ़े चार साल तक राजस्थान में जिस तरह से किस्सा कुर्सी का चलता रहा, एक कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था और दूसरा कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं था। और उनके इस किस्सा कुर्सी के की द्वंद्व में राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों ने पिछले 4.5 साल तक एक एक दिन खून के घूंट पी करके, आंसुओं को बहा करके बिताया। सरकार की प्राथमिकता, जैसे मैंने कहा, केवल कुर्सी बचाने की होने के कारण से राजस्थान हर मोर्चे पर विफल हुआ। आर्थिक दृष्टि से राजस्थान बेहाल हुआ, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन, जल जीवन मिशन से लेकर के अन्य योजनाओं तक सभी के इम्प्लीमेंटेशन में राजस्थान देश के सबसे नीचे की पंक्ति वाले प्रदेशों में जाकर के शुमार हुआ। शिक्षा के दृष्टिकोण से केवल थोती घोषणाएं और उनके नीचे धरातल पर तैयारी न होने के चलते हुए राजस्थान बुरी तरह से पिछड़ा। भ्रष्टाचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा। अपराधों के दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं तो शांत प्रदेश, सौम्य प्रदेश, भाईचारे का प्रदेश राजस्थान पिछले 4.5 साल में 1,000,010,000 से ज्यादा आपराधिक केसेस रजिस्टर हुए हों ऐसा प्रदेश बना। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या महिलाओं के प्रति अपराध, इस दृष्टिकोण से 1 नंबर पर, पहली पायदान पर आकर के खड़ा हुआ। 2 लाख से ज्यादा मुकदमे पिछले दिनों में राजस्थान में, पिछले इन 4.5 वर्ष के कालखंड में कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में दर्ज हुए। यहां तक नहीं, गैंगरेप के मामलों में, अबोध बालिकाओं और बच्चों के प्रति इस तरह के हिंसात्मक मोलेस्टेशन के केसेस के दृष्टिकोण से भी राजस्थान 1 नंबर पर हुआ। दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों और केसेस के दृष्टिकोण से भी राजस्थान पहली पायदान पर रहा। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ाई, हर मोर्चे पर राजस्थान विफल हुआ है। उसके साथ साथ में राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, वस्तु स्थिति ठीक इसके उलट हुई। आज हालात इस तरह से हैं कि जेलों से बंदूकों की नोक पर अपराधी छुड़ाए जा रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में अपराधी गैंग वॉर करके एक दूसरे को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर दूसरे दिन कहीं न कहीं
सरेआम गोलियां चला करके हत्याएं करने की वारदातें हो रही है। हर दूसरे दिन कहीं न कहीं किसी न किसी व्यापारी को, व्यवसायी को, कामगार को धमकी देकर के एक्सटॉर्शन करने की घटनाएं हो रही है। और इन सब के चलते हुए धरातल पर पुलिस का ध्येय वाक्य बदल करके हालात ये बयान करते हैं कि राजस्थान के आम जन में डर है और अपराधियों के हौसले चरम पर है। यदि मैं केवल महिलाओं के प्रति, महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराध और आपराधिक घटनाओं का जिक्र करूं, जिनमें जैसा मैंने कहा कि राजस्थान पहले पायदान पर आकर के खड़ा हुआ है, मीडिया की खबरों के अनुसार यदि मैं आकलन करता हूं तो राजस्थान में प्रतिदिन 17-18 रेप की ऐसी घटनाएं रजिस्टर होती हैं और लगभग प्रतिदिन 5-7 एवरेज मर्डर के केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब एकाएक इतनी सारी जो है रेप की घटनाएं बढ़ने के कारण से मुझे लगता है कि वो दिन निश्चित ही लोकतांत्रिक राजस्थान के इतिहास का काला दिन होगा कि जिस राजस्थान में रिश्तों की इतनी महत्ता है, जहां सूत का एक डोरा बांध करके भी एक बहन अपने अपने जिसको डोरा बांधा गया उसको भाई मानते हुए, उसको भाई मान करके उससे अपनी सुरक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देगा ऐसा विश्वास करती, और ऐसे अनेक उदाहरण राजस्थान के इतिहास में होंगे। उस राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जो है मीडिया के सामने चर्चा करते हुए ये कहा और राजस्थान के रिश्ते नातों को शर्मसार किया कि रेप की अधिकांश घटनाएं रिश्तेदारों द्वारा ही कारित की जाती हैं। विषय यहीं तक समाप्त नहीं होता। जिस राजस्थान की पहचान पन्नाधाय से, जिस राजस्थान की पहचान झांसी, जिस राजस्थान की पहचान रानी पद्मिनी से, जिस राजस्थान की पहचान मीराबाई की भक्ति से, जिस राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींच से, जिस राजस्थान की पहचान महिलाओं के सम्मान से होती थी, और जिस राजस्थान की पहचान ऐसे लोगों से होती थी, ऐसे रणबांकुरों से होती थी जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए एक एक युद्ध में अपनी कई पीढ़ियां खपा दी, उस राजस्थान में भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करते हुए मुख्यमंत्री ने जो टिप्पणी की, उससे आगे बढ़कर के राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री अशोक गहलोत साहब के सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबसे भरोसे के मंत्री, जिन्होंने गहलोत साहब की कुर्सी को बचाने के लिए आलाकमान तक को चुनौती दे डाली, ऐसे शांति धारीवाल साहब ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के निर्लज्जता के साथ में यह कहा कि राजस्थान में रेप के मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और दुर्भाग्य है कि जब वो निर्लज्जता के साथ में ये स्टेटमेंट दे रहे थे तब उस विधानसभा के मंदिर में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक ठहाका लगा करके हंस रहे थे और टेबल पीट रहे थे। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इन सब परिस्थितियों के बीच जिस तरह से राजस्थान में एकाएक पिछले दिनों में इस तरह की घटनाओं का की सुनामी आई है, मैं केवल बाढ़ कहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं राजस्थान में हो रही घटनाओं, राजस्थान की माताओं बहनों की अस्मिता के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ हो रही है उसके साथ में न्याय नहीं कर पाऊंगा, या जिस तरह की भावनाओं का अतिरेक आज राजस्थान की माताओं बहनों के मस्तिष्क में दौड़ रहा है, उनके मन में जितना भय है उसके साथ में न्याय नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ पिछले 7 दिन में हुई हुई कुछ घटनाओं का यदि उल्लेख करूं कि राजस्थान में 9 जुलाई को चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा में 13 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही महिला के साथ में आपराधिक घटना होती है। 10 जुलाई को राजधानी जयपुर में मंचले इकट्ठे होकर के खो नागोरिया में, जवाहर नगर में और बाजार नगर में छात्राओं के साथ में, राह चलती छात्राओं के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, अपमानजनक व्यवहार करते हैं। करौली के नांदोती में दलित युवती के साथ में पहले गैंगरेप होता है, फिर उसका उसको
जो है गला घोट करके मार दिया जाता है। इतना ही नहीं, फिर उसके ऊपर मुंह पर एसिड डाल करके उसको जलाने का प्रयास किया जाता है और बाद में उसको कुएं में फेंक दिया जाता है। इस तरह की हृदय विदारक घटना के बाद 15 जुलाई को जोधपुर में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह नगर भी है, वहां एक अबोध बालिका 7 साल की मासूम से स्कूल में पढ़ाने वाले स्कूल के कर्मचारी के द्वारा, जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ती है उसके कर्मचारी के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट, ऐसी हिंसा, यौन हिंसा हुई हो, इसकी घटना उद्घाटित होती है और यह पता चलता है कि ये पहले भी कई बार हो चुकी है, वो अखबारों की सुर्खियों से हटती है। उसके साथ ही दूसरे दिन शिक्षा के मंदिर में जवाहरलाल जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय का मैं भी छात्र रहा हूं, जिस विश्वविद्यालय का मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, हम सबको निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली ऐसी घटना कि जहां एक नाबालिग लड़की के साथ में 3 लड़कों ने सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच दरमियान में रेप किया, सुबह रात को 10 बजे उस बच्ची के साथ में एक होटल का संचालक या मैनेजर इस तरह का दुर्व्यवहार करने का प्रयास करता है, वहां से बच करके निकल करके बस स्टैंड पे आकर के बैठती है। अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपने किसी साथी के साथ में घर से निकल करके जोधपुर आ गई थी और डर के मारे, क्योंकि पुलिस के पास चली जाऊंगी तो ये डर है, इस डर के मारे जो खौफ है उस खौफ के चलते पुलिस के पास न जाकर के बस स्टैंड पर बैठती है, वहां से बुला करके बरगला करके ले जाकर के 3 युवक उसके साथ में रेप करते हैं और पुलिस प्रशासन और सरकार के बैठे हुए सारे सरकार के मुखिया जी से लेकर के सब लोग जन सहयोग से उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके लिए अपनी पीठ ठोकते हुए नजर आते हैं। प्रश्न तो वहां ये उठना चाहिए था कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक वो लोग सड़क पर घूम रहे थे, कहां आपकी गश्त थी, कहां आपकी पुलिस थी, कहां आपका अभय कमांड सेंटर काम कर रहा था, कहां आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस काम कर रहा था, या उसकी भी हालात ठीक वैसे ही थे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की अन्य घोषणाओं के धरातल पर होते हैं। उससे आगे बढ़कर के जब इस विषय में आप दुर्भाग्यपूर्ण घटना को देखिए कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में जब जोधपुर जिले की एक कांग्रेस पार्टी की युवा विधायक को जब प्रश्न किया जाता है तो वह माननीय विधायक महोदया कहती हैं, उसका दर्द समझने की कोशिश कीजिए कि मैं तो सिक्योरिटी में रहती हूं, उसके बाद में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, और वो ये कहने को मजबूर होती है कि मुझ पर सिक्योरिटी में पूर्व सूचना होने के बावजूद भी हमला हुआ और मेरे हमले के ऊपर आज तक हमलावर गिरफ्तार नहीं किए जा सके। उसी के साथ 19 जुलाई को जोधपुर में जो हृदय विदारक घटना हुई, आप सब पत्रकार मित्रों ने उसको बहुत गंभीरता के साथ में लेते हुए अपने अपने प्लेटफॉर्म पर उसको स्थान दिया। 4 लोगों को, 2 महिलाओं को, एक पिता और एक छोटी सी अबोध बच्ची, उनको मार दिया जाता है गला काट करके और उसके बाद में उनके ऊपर जो है ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगा दी जाती है। सरकार मात्र इन सब के घटनाओं के बाद में हमने गिरफ्तार किया है या गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, इन 2 के साथ में अपने आप को पीठ थपथपा करके और अपने आत्ममुग्धता के भाव में जीने के इससे बाहर नहीं आ रही। ऐसे में अस्पताल के कॉटेज वार्ड में बुलाकर युवती के साथ में छेड़छाड़ की घटना होती है। जयपुर में चूरू जिले में 19 जुलाई को दलित किशोरी से बलात्कार कर 3 लोगों पे केस दर्ज होता है, पोक्सो का कानून में केस दर्ज होता है, कार्रवाई नहीं हो पाती है। 1 सप्ताह में इस तरह से प्रतिदिन जो है राजस्थान में इस तरह की बड़ी घटनाएं, ये मैंने कुछ घटनाओं का उल्लेख आपके सामने किया है, प्रतिवर्ष 45,000 से ज्यादा घटनाएं इस तरह की रजिस्टर हो रही है राजस्थान में। जिस तरह से महिलाओं में इसको लेकर के डर है, जिस तरह से राजस्थान की महिलाओं में भय का माहौल है, छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में जाने वाली बच्चियों से लेकर के कॉलेज में पढ़ने वाली युवतियों से लेकर के गृहणियां तक, क्योंकि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं, घर में रेप हो रहा है, विश्वविद्यालय और विद्यालय में इस तरह की घटनाएं हो रही है, मार्केट प्लेस और वर्क प्लेस पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, बगीचे में इस तरह की घटनाएं हो रही है, पुलिस थाने में इस तरह की घटनाएं हो रही है, दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस में जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस में रेप हो रहा है,
हॉस्पिटल में रेप हो रहा है, कोई भी स्थान जो है किसी भी तरह का स्थान आज राजस्थान में महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया, और सरकार है कि अपने आप को सर्टिफिकेट दे करके और अपने आप को ही आत्म प्रशंसा आत्म जो है मुग्धता के भाव में जीने को मजबूर है। राजस्थान में जिस तरह का भय का माहौल इन सब के कारण से बढ़ा है, और इन सब से आगे हटकर के अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जिस तरह से तुष्टिकरण का माहौल है, ये निश्चित रूप से राजस्थान के हालात इन सब व्यवस्थाओं के चलते हुए बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर के सदन तक सरकार के खिलाफ इन सब विषयों पर आवाज उठाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार शायद जानबूझ करके आंखें मूंद करके सोने का नाटक कर रही है और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, कुर्सी को बनाए रखने के लिए सरकार के धन का दुरुपयोग करके अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है और समय आने पर निश्चित रूप से इसका माकूल जवाब देने वाली है। धन्यवाद। मेरा आग्रह होगा माननीय अरुण सिंह जी से कि आपको संबोधित करें। मित्र, राजस्थान में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, पूरे प्रदेश भर में जंगल राज है। सरकार और पुलिस प्रशासन सारे केस को दबाने में लगे हैं। कोई घटना घटती है, सबसे पहले पुलिस प्रशासन जाकर के कहता है कि समझौता कर लो, केस मत करो। हमने करौली में भी यही देखा, जब एक दलित युवती का अपहरण हुआ, अपहरण करने के बाद रेप हुआ, रेप करने के बाद उसको गोली से मारा गया, फिर भी देखे कि नहीं मरी तो उसके ऊपर तेजाब डाल करके कुएं में डाला गया। पुलिस का दबाव था, उस लड़की के मां गई जब पुलिस के पास तो कहा तुमको भी अंदर बंद कर देंगे, केस मत करो, समझौता कर लो। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी वहां धरने पे बैठे, तब जाकर के दबाव पड़ा, तब जाकर के पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम यह सब सारी चीजें की आई कि गोली का छर्रा भी था, शरीर पे तेजाब भी डाला गया और उसके साथ साथ रेप भी हुआ। इस प्रकार की हृदय विदारक घटनाएं राजस्थान में रोज हो रही है। आपने देखा थाना गाजी में जिस प्रकार से पति के सामने ही महिला का बलात्कार हो, गैंग रेप हो, और गैंग रेप होने के बाद उस वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया में उसको चलाया गया। मीडिया के लोगों ने उसको नहीं चलाया, लेकिन सोशल मीडिया में उसको वीडियो को सामने देखा। इससे बड़ी हृदय विदारक क्या होगी कि दौसा में लड़की जा रही थी, बालिका, उसका अपहरण किया, उसके पिता पीछे पीछे दौड़े तो पिता की पीट पीट के उसकी हत्या कर दी गई। जब खाजूवाला बीकानेर में, वहां पे जब महिला गई कि हमारे साथ गैंग रेप हुआ, मेरे को संरक्षक दो, तो पुलिस वाले ही उसका रेप कर दिए, रक्षक ही बच्चक बन गए। प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। अभी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने बताया जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के घर के निवास के 5 किलोमीटर के अंदर दरिंदगी की गई हो, गैंग रेप किया हो, ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन राजस्थान में हो रही है। लेकिन गहलोत जी हैं, वह सही और झूठा साबित करने में लगे हैं। वह यह नहीं कहने कि कानून अपना काम करेगा। मंत्री हैं, विधायक हैं, मजाक उड़ाते हैं, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी एक बार भी वहां जाकर के जो दलित महिलाओं के पे अत्याचार और गैंग रेप हो रहा, एक बार भी जाने का काम नहीं किए। मैं पूछना चाहूंगा कि प्रियंका जी, राहुल जी, आप दौसा कब जाओगे, आप अलवर कब जाओगे, आप करौली कब जाओगे? इन्होंने कभी इन घटनाओं पे गए ही नहीं। सवाई माधोपुर में जाते हैं, वहां अपने आराम से जंगल तो घूमते हैं, लेकिन उसी के बगल में अलवर में, जब अलवर में वहां पे हरीश जाटव की पीट पीट के दलित समाज का व्यक्ति है उसको पीट पीट के हत्या की गई, तो वहां न प्रियंका जी गए न राहुल गांधी गए। राजस्थान में कई दिन, कई बार राहुल गांधी जी गए, लेकिन एक बार भी बता दें कि दलित महिलाओं पे जो गैंग रेप हुआ, उनकी हत्या हुई है, क्या एक बार भी वहां जाने का काम किए? अरे वह तो छोड़ो, आप उनका ट्वीट देख लो कि प्रियंका जी, राहुल गांधी जी ऐसी घटनाओं पे कितनी बार निंदा किए, निंदा तक नहीं करते। जाना तो बहुत दूर की बात है,
ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। राजस्थान की जनता उम्मीद करती है कि आप आओ, क्योंकि अशोक गहलोत जी पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। कानून का राज है नहीं वहां पे, महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं, सहमती हैं। पूरे देश भर में अगर नंबर वन पे महिला अत्याचार है तो राजस्थान में है, दलित अत्याचार नंबर वन पे है तो राजस्थान में है, लेकिन उसके बावजूद भी यह लोग, खड़गे जी जाओ, दलितों का बहुत, महिलाओं का वहां प्रतिदिन अत्याचार भी हो रहा है, रेप भी हो रहा है, मर्डर भी हो रहा है, और नया एक वहां पे एक तरीके से पद्धति अपनाई है कि पहले रेप करो, रेप करने के बाद मर्डर करो और कुएं में डाल दो। कई जगहों पे कुएं में लाशें पकड़ी जा रही है। देख खड़गे जी, आपको तो जाके देखना चाहिए राजस्थान में। प्रियंका जी, आप जाके देखो राजस्थान में क्या, किस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जाइए और वहां राजस्थान में देकर जाकर के इन सब घटनाओं के बारे में थोड़ा देखिए, लोगों के साथ संवेदना व्यक्त करिए। लोगों की न्याय की उम्मीद है। राजस्थान सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है, एक साठगांठ हो गया, पुलिस प्रशासन और सरकार और अपराधी तीनों का गठजोड़ हो चुका है। जो अधिकारी हैं, वह जो है मंत्री हैं और विधायक कांग्रेस के, उनके कहने पे निकम्मे अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, अपराधी उनके संरक्षण पे अपराध करते हैं और उसके बाद केस को रफा दफा करने में लग जाते हैं। इस प्रकार का चरित्र, इस प्रकार का चेहरा, इस प्रकार का काम पूरे देश भर में नहीं देखेंगे जो राजस्थान में हो रहा है। जनता त्राहिमाम कर रही है। आज बहन बेटियां सुरक्षित वहां पे नहीं है। यही मुझे निवेदन करना था कि मीडिया के लोग यहाँ जो बैठे हैं, आप सब भी आइए, जितनी घटनाओं की डिटेल आपको चाहिए हम देंगे। जिस प्रकार से करौली में दलित महिला की जो कुएं से लाश निकाली गई, बॉडी निकाली गई, हम उम्मीद करते थे कि यहाँ नेशनल मीडिया पे भी उसको दिखाना चाहिए था, किस प्रकार से उसके साथ अत्याचार हुआ, किस प्रकार से दौसा में अत्याचार हुआ, किस प्रकार से थानागाजी में, किस प्रकार से कोटा में, किस प्रकार से जयपुर में, हर शहर में इस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इन सब घटनाओं को आप सब भी देख ही रहे और देखेंगे भी। और गहलोत सरकार जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है हर दृष्टि पे, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। अब जितने दिन भी यह सरकार रहती है उतना ही राजस्थान में एक तरीके से बोझ बढ़ रहा है। यही मुझे आपसे सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये बात को स्वीकार करूंगा कि राजस्थान के हालात भी बंगाल से कहीं कम बुरे नहीं है। ये दीगर बात है कि राजस्थान की घटनाओं को उस दृष्टिकोण से शायद मीडिया में स्पेस नहीं मिला होगा, वरना जितने बुरे हालात महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर के बंगाल में, उससे कहीं ज्यादा बुरे राजस्थान। एक महिला के साथ में गैंगरेप हो जाए, उसका घर लूट लिया जाए, पुलिस जांच के नाम पर 2 साल तक उसको लेकर के बैठी रही और जांच के बाद में इंक्वायरी ऑफिसर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने पर एफिडेविट फाइल करे कि हमने जांच पूरी कर दी है, अपराध प्रमाणित माना गया है, जो रिकवरी थी वो थाने में ला करके रख दी गई है और पुलिस अधीक्षक को जो है चालान फाइल करने के लिए अनुमति के लिए भेजा गया है।
उस समय में अदृश्य दबाव आता है मुख्यमंत्री कार्यालय से किस तरह से पहुंचता है वो दबाव, और डीजी के दबाव में वही अधिकारी जिसने हाईकोर्ट में ये एफिडेविट फाइल किया है कि जांच पूरी हो गई है, जुर्म प्रमाणित है, रिकवरी सारी थाने में पड़ी है और फाइल एसपी ऑफिस में भेजी जा चुकी है चलान फाइल करने की, चलान पेश करने की स्वीकृति के लिए, वो खुद ही अधिकारी अगले दिन उस पर एफआईआर लिखता है, नीचे उस आईओ से लेकर के डीजी तक सब लोग उस एफआईआर को अप्रूव करते हैं और उसके बाद में उस महिला जो विक्टिम है उसी के ऊपर जो है पीड़ा के उसी के दमन चक्र प्रारंभ हो जाते हैं, पुलिस उसके परिवारजनों पर केस दर्ज करती है और आज वो महिला पिछले लगभग एक साल से निर्वासित जीवन जी रही है। मुझे लगता है कि जो एक फेल्ड स्टेट की परिभाषा होती है कि जहां वायलेंस बढ़ गया, जहां अपराधी बेलगाम हो गए, जहां महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हो, जो इकोनॉमिक रूप से फेल होने की दशा में पहुंच गया, जहां भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण चरम पर हो, जो फेल्ड स्टेट की परिभाषा होती है, फ्रजाइल स्टेट की परिभाषा होती है, उन सब चार परिभाषाओं में राजस्थान आज क्वालिफाई करता है। नहीं, जोधपुर की घटना में उन्होंने अगर 48 नहीं कहा होगा 2 घंटे में पकड़ लिए, कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई थी तब 2 जो है अपराधी 4 घंटे में पकड़े गए, तो पुलिस का योगदान नहीं था, पब्लिक ने पकड़ा था और जिन लोगों ने पकड़ा था उनको जिस तरह के वादे माननीय अशोक गहलोत साहब ने किए थे एक बार उनको वापस याद कर ले, आज वो अपनी सुरक्षा के लिए घूम रहे हैं, सुरक्षा के को खतरे में पा करके गुहार लगाते हुए घूम रहे हैं, जिन्होंने साहस के साथ ऐसे अपराधियों को पकड़ा था, ऐसे नराधमों को जिन्होंने सिर काट कर घर से अलग कर दिया। ठीक वही स्थिति यहां भी युवकों ने, जो युवक वहां सुबह रनिंग करने के लिए आए थे उन्होंने पहचान करके पुलिस को पकड़वाने के लिए मैं सहयोग किया था, इसे अपनी मैंने जैसा मैंने कहा कि पकड़े जाने के आपने अपराध के बाद अपराधियों को पकड़े जाने में जन सहयोग से सफलता प्राप्त कर ली, उससे आप अपनी पीठ थपथपा करके अपराधियों को अपराध करने से रोक नहीं पाए, इस विफलता से आप छुपा नहीं सकते। आपकी विफलता आपकी जो है ये जिम्मेदारी थी कि आपके शहर में इस तरह की घटना न होती। 15 दिन पहले जिस शहर में एक विदेशी पर्यटक महिला के साथ में इस तरह की घटना का प्रयास किया जाता है, 15 दिन बाद में उस समय में बड़ी बड़ी बातें की जाती है और 15 दिन में 3 घटनाएं ऐसी और होने के बाद में 4थी घटना फिर हो जाए और उसके बाद में मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाता हुआ नजर आए, पुलिस अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आए कि हमने 2 घंटे में पकड़ लिया है। प्रश्न तो यहां यह है कि आप ये घटना की पुनरावृत्ति होती क्यों है, उसके जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। आपका अभय कमांड सेंटर जिसके लिए कहा जाता है कि हर चप्पे चप्पे पर परिंदे के हर पर पे हमारी नजर है, वो नजर कहां गई। आपकी गश्त क्या कर रही थी, आपकी नाइट बीट क्या कर रही थी, बस स्टैंड पर आपको 4 घंटे तक इस तरह के जो है संदिग्ध अवस्था में लोग बैठे थे उसके बाद में उसके ऊपर किसी तरह की नजर क्यों नहीं पड़ी, इस पर किसी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। जहां रेप की घटना हुई उससे मैं 100 मीटर दूरी पर पुलिस की चौकी थी, वहां पर पुलिस की चौकी को इस बात का एहसास क्यों नहीं है। विषय यह नहीं है कि उन्होंने कितने घंटे में पकड़ा, विषय यह है कि घटना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये घटनाएं क्यों होती है और क्यों राजस्थान जैसा प्रदेश इस तरह की बदनामी को झेलने के लिए मजबूर होता है। और कारण जैसा मैंने आपको कहा कि सहजता के साथ में मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि ये रिश्तेदारों ने किया या जो है उनके सबसे बड़े सेनापति जो है वो विधानसभा के पटल पर कह देते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, मुख्यमंत्री को इस पर अपना जवाब देना चाहिए। देखिए मुझे नहीं लगता कि भाजपा कहीं भी फेल है, मुझे लगता है कि आपकी राजस्थान की तरफ कृपा दृष्टि है, थोड़ी कृपा दृष्टि बनाते रहेगा। इतना अनुरोध आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके आपसे और आप सबसे करूंगा कि एक बार आइए राजस्थान के हालात को देखिए, राजस्थान में जिस बुरी तरीके के हालात है उस पर आपकी कृपा दृष्टि बनाइए और जो सत्य को उद्घाटित करिए साहस के साथ। महिलाओं के साथ में हुए दुर्व्यवहार की घटनाओं को, अपमान की घटनाओं को
भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के जमीनी हालात को समझते हुए राजस्थान की इस सरकार के फेलियर्स के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन पिछले दिनों में खड़ा किया था। आप सबकी जानकारी में होगा कि राजस्थान में पूरे प्रदेश के 200 विधानसभाओं में हमने रथ यात्रा निकाल करके इस तरह के जन आक्रोश को संकेत किया था। अभी वर्तमान में राजस्थान में जो नहीं सहेगा राजस्थान इस हैशटैग के साथ में, इस शीर्षक के साथ में पूरे प्रदेश भर में हमने व्यापक आंदोलन खड़ा करने की दिशा में काम किया। अभी राजस्थान में इस तरह की घटनाओं की प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदन से लेकर के सड़क तक सब जगह तक सरकार को घेरा है। लेकिन जैसा मैंने अपनी बातचीत में भी कहा था, अपने आरंभिक वक्तव्य में भी कहा था कि सरकार आंख मीट मूंद करके जबरदस्ती सो रही है। भाई किसको नींद आ रही हो वो झकझोरने से उठ सकता है, आवाज देने से उठ सकता है, पानी डालने से उठ सकता है। जो जानबूझ करके कान में शीशा डाल करके सोने का ढोंग कर रहा है उसको जो है वो उठाने के लिए, उसको जगाने के लिए थोड़ा हाई वोल्टेज करंट की जरूरत है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप उस करंट को पैदा करने में सहयोग करें। देखिए जैसा आदरणीय लखवीर जी ने पूछा है, मैं उसके प्रत्युत्तर में कहूंगा कि मुझे लगता है कि राजस्थान की बेटियों का दर्द अशोक गहलोत को सुनाई देना बंद हो गया है। न दर्द दिखाई देता है न उनकी चीखें सुनाई देती है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान के मैं अभी वर्तमान में जोधपुर में हुई घटना की चीख और दर्द तो कम से कम उनको सुनाई दे जाए, ताकि राजस्थान में शेष बचे हुए 60-70-80-90 दिन के समय में तो कम से कम कुछ राहत मिलेगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 17 रेप की घटनाएं एवरीडे होती है। अब 17 को अगर मैं 100 दिन से गुना करूंगा तो 1700 होते हैं। कम से कम 1700 माई बहनों की इज्जत तो बच जाएगी अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की ने जो है नींद उड़ जाएगी और उनको चीख सुनाई दे जाएगी। जहां तक आपने ये प्रश्न किया है, राजस्थान ने जो कानून पारित किया है, एक डेड बॉडी को लेकर के बैठने के लिए क्यों मजबूर होता है? उस मजबूर आदमी की, मजबूर परिजनों की आवाज सुनाने का माध्यम क्या होगा? पहले ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म तो आप बनाएंगे, वो जाकर के कहां गुहार लगाए? अगर 100 घटनाओं में से 50 घटनाएं ऐसी होती है जहां वास्तव में ऐसे हालात है, सरकार पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है और सुरक्षा न देने के कारण से इस तरह की घटनाएं हुई। कल तो कन्हैयालाल जैसे किसी और भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि किसी और व्यक्ति का धमकी देकर के, ऐलानिया धमकी देकर के गला काट दिया जाएगा और सरकार लीपापोती करेगी, उसके बाद में ये कहेगी कि आप सबको लेकर के नहीं बैठे। इस तरह के काले कानून बनाने से पहले उनको कानून की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी इसके बारे में विधानसभा के पटल पर विस्तार से बात करनी चाहिए थी, उसके बाद इस तरह का कानून।